चीज़ का कमाल दी है मैं क्या जो शो दे नाल होया है ते कहने जब मेन लीड्स आंदे ने उन्हां ते जिहड़े दारोमदार हुंदा ओह किन्नी मेहनत करदे ने ओह दिखदा है अज किन्नी कु मेहनत लगी इह दस्सो मैनू मेहनत ता देखो सवेर दे आपां लगे होए हैं तो बात ऐसी है कि लगे तो हम इस सीक्वेंस के लिए पिछले 5 दिनों से हुए हैं एंड आज सुबह से वी आर शूटिंग डांस सो ऐसा हो रहा है कि वी आर प्रैक्टिसिंग एंड वी शूटिंग देन वी आर प्रैक्टिसिंग देन वी शूटिंग बट आई डोंट नो आई थिंक वी लव इट सो ज़्यादा हमें फील नहीं होता इस बारे में वी जस्ट एंजॉय में लाइक मैं लाइक आपने तो फिर भी एक टक्सीडो पहना हुआ है इनको देखो इनके जो है ना यू नो नहीं नहीं बहुत बहुत मुश्किल है और खास तौर से लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि हम लोग अंदर इनर पहन सकते हैं मैं एकदम पैक हूँ लेकिन उसके बाद भी मैं बीमार हूँ आज मुझे मतलब मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है बट लेकिन हैट्स ऑफ टू नेमत एंड ऑल दी अदर गर्ल्स जिन्होंने जो इतनी मेहनत कर रही हैं अपने इतने भारी भरकम कॉस्ट्यूम के साथ इतने अच्छे कॉस्ट्यूम के साथ परफॉर्म कर रहे हैं एंड आई एम रियली थैंक्स अच्छा लगता है जब ये लोग ऐसे समझते हैं दिल को पंजाबी है ना ये चंडीगढ़ पहले रहे ने बट तुसी सितंबर तो आए हो सितंबर से आप यहाँ पर हैं शूट कर रहे हैं पंजाब कैसा ट्रीट कर रहा है तो लाइक पंजाब से कितना मेल खा पाए हो अभी तक पंजाब बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है पंजाब में आकर मैं हमेशा से मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब भी कभी परेशान होता हूँ या मेरे जितने भी बर्थडेज होते हैं मैं गुरुद्वारे के अराउंड उन सबको सेलिब्रेट करता हूँ या मुझे गुरुद्वारे जाना बड़ा पसंद है तो इस स्टेट से मेरा बहुत बड़ा कनेक्शन है और पंजाब में आना आई थिंक ये मेरी डेस्टिनी का पार्ट है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस टीम के साथ पंजाब में आकर उड़ारियाँ में शूट करके आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड उड़ारियाँ एक ऐसा शो है जिसने ना लाइक मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे माइलस्टोन्स रखे हैं यहाँ पर स्पेशली क्योंकि एक ऐसा शो जो फुली पंजाब में शूट हो उसके बाद उसका हिट हो जाना उसका सेकेंड लीप आप लोगों के ऊपर सारा कुछ है कितना प्रेशर वैसे फील करते हो क्योंकि शो ऑलरेडी लाइक यू नो लाइकेबल लिस्ट में है लोगों की मेरी मम्मी का फेवरेट शो है बाय द वे इनिशियली आई वुड से क्योंकि एज यू सेड कि उड़ारिया ने एक बेंचमार्क सेट किया हुआ था इनिशियली इस चीज़ का बहुत जिम्मेदारी थी प्रेशर था एंड बट आई वुड से हम सब ने मेहनत की है पूरी टीम ने मिलके मेहनत की है एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर वी आर देयर वे वी आर एंड आई होप हम आगे और ऊपर जाते रहे नो डाउट प्रेशर था बट अगेन वी लव डूइंग इट सो इट्स ऑल फाइन एक चीज़ है जो आपकी आज मैंने देखी एक केमिस्ट्री विद थोड़ा सा अनकम्फर्टनेस है ना जो होती है जो भी सीन था आपका लाइक जब इस तरह के सीन फिल्मा रहे होते हो तो लाइक ये कितना प्रेपरेशन लगता है या फिर ये क्विक क्विक होता है क्योंकि आपके पास सोचने का टाइम नहीं है कुछ करने का टाइम नहीं है सीरियल्स में ये भी नहीं है कि ब्रीफ हुआ आप एक घंटा सोच रहे हो कि मुझे कैरेक्टर में कैसे जाना है तो ये जो क्विकनेस है ये लोगों को पता लगनी चाहिए मेरे ख्याल से क्योंकि ये लोग ऐसे स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है ये एक्टर्स को बहुत लोगों को बहुत समय लग जाता है क्या ये टीवी सिखाता है या फिर ये अंदर से आता है ये टाइम सिखाता है एक्सपीरियंस सिखाता है एंड ये कहूँगी कि कर करके आपके रग रग में बस जाता है तो जैसे अब एकम और नेहमत का ऑन स्क्रीन प्यार भी है चाहते भी हैं मिलना बट मिल नहीं सकते तो वो ऑकवर्डनेस बेसिकली आई थिंक वी लिव इट नाउ तो वो अंदर से ही आ जाता है तो इसकी कोई प्रेपरेशन की तो आई डोंट थिंक अब ज़रूरत पड़ती है अच्छा तो आपके लिए कितना रहता है स्विच ऑन स्विच ऑन सी मेरे लिए मेरी एक्टिंग और जितना भी मैं परफॉर्म करता हूँ मैं ग्राफ पे बहुत काम करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़रूरी होता है और जब भी जैसे भी सीन्स आते हैं हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप अपने मूड को ये प्रेशर है नो डाउट कि जब आप कई बार ऐसा होता है क्योंकि आप एज एन एक्टर परफॉर्म कर रहे होते हो और आप जो परफॉर्म कर रहे हो आप घर पर भी लेकर जाते हो आप उस प्रेशर को घर पर भी लेकर जाते हो कई सारे ऐसे सीन्स होते हैं मैं आपको अगर ऐसे बताऊँगा कि जब यहाँ से जाते हैं और रात में सोते हैं तो सपने आते हैं वैसे यस ये very, very. ये ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज़ में डूब कर काम करते हैं या किसी चीज़ को फील करके काम करते हैं तो आपके ये उसका बाय प्रोडक्ट है जो हमें मिलता है लेकिन फिर भी काम है और हमारे लिए सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की कि जब भी लोग मिलते हैं और ये कहते हैं कि तुसी बड़ा चंगा काम कर दे तो नेमत और एकम क्या लग रहे हैं नेकम की तारीफ जब हमें इंस्टाग्राम पर सुनने को मिलती है पूरी टीम की अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर 200 लोग हैं इतनी ठंड में हम लोग अंदर काम कर रहे हैं लोग बाहर काम कर रहे हैं आप देखिए मैं चाहूँगा कि आप दिखाएं देखिए किस तरह से लोग ये उठा कर जा रहे हैं यहाँ से पीछे भी पूरी टीम काम कर रही है सबसे बड़ी बात ये होती है कि उन 200 लोगों की जिम्मेदारी कुछ 10 लोगों पर है उन फेसेस पर है जिसके लिए हम सारे लोग काम कर रहे हैं तो जब भी हम कभी हताश महसूस करते हैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि नहीं यार अब मन नहीं कर रहा अब नहीं नहीं इतना ही ठीक है वापस से इन लोगों को देखते हैं और
चार्ज अप हो जाते हैं। इनका जो शूट है वो 2 घंटे 3 घंटे नहीं चलता है, कई बार 16-16, 18-18 घंटे चलता है ना, एंड दिस एनर्जी कैरीज ऑन है ना। मेकअप भी ऐसा रहने वाला, शक्ल भी ऐसा रहने वाली है ना, बट कहाँ से आता है जज्बा? ये तो अंदर से ही आता है जज्बा, एज इन अगेन मेरा हर चीज़ का आंसर यही जा रहा है, बिकॉज आई लव इट, इसलिए ये चीज़ मुझे उतना तंग नहीं करती है। मे बी अगर मैं इस फील्ड में ज़बरदस्ती होती मुझे ये चीज़ चुभती, बट आई लव डूइंग इट। नो डाउट ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि नाउ इट्स डन, बट व्हेन वी स्लीप वी गेट रिचार्ज एंड वी आर बैक ऑन सेट। एंड एज ही सेड, बहुत फ़र्क पड़ता है, दैट सीन्स दैट वी डू वी टेक इट होम, टाइम लगता है उसमें से बाहर आने में। उड़ारी एक ऐसा शो है जहाँ से ना जो जोड़ी है वो इतनी फेमस हो जाती है, चाहे हम फतेह ते और तेजो की बात करें, क्योंकि मैंने वो सारा जर्नी उनका देखा है। सो ये आप लोगों ने फील करना शुरू कर दिया ऑलरेडी मिखाइल से, क्योंकि ट्विटर और इंस्टा पे तो फील शुरू हो चुका है, आप लोगों को कितना अफेक्ट करता है और कितना लाइक वार्म्थ फील होता है इसके साथ? ये अच्छी बात है कि जब आपका काम को लोग अप्रिशिएट करते हैं, जब आपके काम तक लोग पहुंच जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। और इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट भी करते हैं, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लगता है कई बार कि आपके काम को नहीं अच्छा किसी ने बोला तो आप परेशानी में भी आ सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये कि आप अपने क्रू के साथ, अपने टीम के साथ जितना इन्वॉल्व होके, इंडल्ज होके आप काम कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस जोड़ी के लिए आपको कितना स्पेशल फील होता है नहमत, लाइक क्योंकि ये दो कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको लोग बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। घर वालों से तो फीडबैक डेफिनेटली, जब हमारे क्लोज सीन्स होते हैं तब मेरे घर वालों के खतरनाक फीडबैक आते हैं कि अरे अरे तुमने ये ऐसे किया वैसे किया। बट आई थिंक ऐसा होता है सच में, लाइक कि घर वाले डिस्कस करते हैं, अरे यार आज रोमांटिक सीन था, आज ये कैसे हुआ, ये कैसे किया तुमने। मेरे घर पे माय नानी इज अ फुल टाइम सपोर्टर ऑफ उड़ारियां, सो वो मुझसे सब कुछ डिस्कस करते हैं, एंड लेटर शी इज वेरी एक्साइटेड टू नो आगे क्या होगा। तू नहमत एक हमको मिलेगी, अरे तू उसको क्यों मिलने चलेगी, तेरी फोटो क्लिक हो गई, अब तो गड़बड़ हो जाएगी। सो शी बेसिकली ऑडियंस अब उसको रियल समझती है, वो उससे कनेक्ट करती है, दैट इज द बेस्ट पार्ट। एंड जब वो कनेक्ट करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली कनेक्ट करते हैं। क्या बात है। और साल 2023 के लिए नहमत और एकम की क्या क्या तैयारियां हैं वैसे? शूट मुझे ऐसा लगता है कि तैयारी मैं अपनी तरफ से बोलूँगा कि एक नई फैमिली के साथ ये न्यू ईयर नया साल सेलिब्रेट करने को मिलेगा, और सबसे अच्छी बात यही है आपकी एक्टिंग की, आपके इस काम की, कि आपको नए लोग मिलते हैं, नया सफ़र मिलता है। तो तैयारियाँ यही हैं कि हम सबके साथ, अपनी पूरी टीम के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ उड़ारियों को और सेलिब्रेट करेंगे, और लोगों को ये यकीन दिलाते हैं कि आने वाला साल उड़ारियों के लिए, हम सब के लिए और आप सब के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। बिल्कुल, और हम उम्मीद करेंगे कि साल 2023 कमाल का रहे। दिल से शुक्रिया आपका नहमत, एकम, नहकम को, उड़ारियों को इतना प्यार देने के लिए, और ऐसे ही प्यार देते रहना। वर्कआउट कीजिए, हेल्दी खाना खाइए, अपने आप को कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से अच्छे रहें, बस, और उड़ारियाँ देखते रहें, उड़ारियाँ देखते रहिए बस।